हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कुछ नई वैकेंसी रिलीज कर दी गई है दिल्ली में, तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर कितनी सीट खाली है। तो पहली वैकेंसी आपके सामने है, कमला नेहरू कॉलेज में वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये परमानेंट पोस्ट है जो लिखा हुआ है कि पक्की नौकरी है। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ दयाल सिंह कॉलेज में आई हुई है वैकेंसी, उसके बारे में बात करेंगे। ये भी परमानेंट है, पक्की है, ये भी इस पर लिखा हुआ है कि परमानेंट पोस्ट है। फिर देख लेंगे हम लोग, और एक पोस्ट आई हुई है और ये दिल्ली साउथ कैंपस में निकाला गया है, ये एक टेम्प्रोरी बेसिस पर है। तो आइए देखते हैं तीनों वैकेंसी में, स्टार्ट करते हैं हम लोग कमला नेहरू कॉलेज से। तो यहाँ प्रोफेशनल असिस्टेंट आया हुआ लाइब्रेरी में, और बताया गया है हैंडीकैप्ट के लिए एक सीट निकाला गया है। जूनियर असिस्टेंट के लिए एक सीट निकाला गया है, ये बताया गया है, और सीनियर असिस्टेंट के लिए निकाला गया है एक सीट, ठीक है। क्वालिफिकेशन एज यहाँ दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बताया गया है, जो मैं बात कर लेता हूँ जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो बताया गया है जूनियर असिस्टेंट में 27 साल एज है, 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में कोई कंप्यूटर का कोर्स किए हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन बताया गया है कि आपने जो किया है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन पर ग्रेजुएशन किया हो तो आप कर सकते हैं। साथ में बताया टाइपिंग होगी आपकी 40 की इंग्लिश है और 30 की हिंदी है, दोनों में से कोई एक करना होगा। और सीनियर टेक्नीशियन में बताया 35 साल एज है, या आपने MCA कर रखा है, MSc कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, या और भी आपने BTech कर रखा है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये आया हुआ था और कल ही परसों निकाला गया था, आप देख लीजिएगा। 100 रुपये फीस यहाँ बताया गया है ऊपर में, जनरल के लिए, OBC के लिए, महिलाओं के लिए और SC ST के लिए, हैंडीकैप्ट के लिए फ्री में है, ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हिंदी में भी यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जो भी आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट है यहाँ पर, इससे जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन जमा भी कर सकते हैं जाकर आप। तो ये बताया गया, ये देख लेते हैं, ऑफलाइन फॉर्म सबमिट होगा, ऑनलाइन सबमिट नहीं होगा ये फॉर्म, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दयाल सिंह कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पर इसके पहले दीनदयाल में भी आया हुआ था वैकेंसी, तो उससे भी आप देख लीजिए। यहाँ पर कल निकाला गया था ये पोस्ट, और यहाँ बता रहे हैं कि जो पोस्ट निकाला गया है वो बताया गया सेमी प्रोफेशनल का निकाला गया, लाइब्रेरी में एक पोस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन में निकाला गया, असिस्टेंट में एक पोस्ट है, और बताया गया असिस्टेंट में एक पोस्ट है, MTS में दो पोस्ट है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ परमानेंट पोस्ट है, ये भी पक्की नौकरी है, और वो जो आया हुआ था कमला नेहरू में भी पक्की नौकरी थी, ठीक है। यहाँ क्वालिफिकेशन के बाद बताया गया है कि आपका जो डेट है उसके बारे में, कि आप कॉलेज में जाकर फॉर्म सबमिट करना है, यहाँ लिख दिया गया है पहले ही कि कॉलेज में ही जाकर फॉर्म सबमिट कीजिएगा। जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे ना, आप कोशिश कीजिएगा फॉर्म जाकर सबमिट करें कॉलेज में, पोस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पोस्ट में पहुँच नहीं पाता है, आपका पैसा ही बर्बाद हो जाएगा। यहाँ बताया गया है कि फॉर्म सबमिट करना है 9:30 बजे सुबह से लेकर 5 बजे तक फॉर्म सबमिट होगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। 250 रुपये लग रहे हैं फीस UR के लिए, OBC के लिए, और 100 रुपये लगेंगे फीस जो है SC ST के लिए, और हैंडीकैप के लिए और महिलाओं के लिए फ़ीस नहीं लगेंगी, ठीक है। आइए मैं देख लेते हैं यहाँ पर जो डेट के बारे में, तो देख लेते हैं कुछ मिल जाए। क्वालिफिकेशन तो बताया नहीं गया, मुझे लगता है यहाँ पर यहाँ बताया लास्ट डेट जो है 21 दिन है आपके पास, ठीक है, 21 दिन 21 डेज, जब से फॉर्म आया हुआ है। फॉर्म कब आया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 29/1/2020, मतलब अभी 2 दिन पहले वैकेंसी आई है, तो आपके पास अभी 21 दिन है फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर बताया क्वालिफिकेशन में, तो आप सेमी असिस्टेंट भरेंगे लाइब्रेरी में, तो वही ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपने बैचलर लाइब्रेरी कर रखा है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप सीनियर टेक्नीशियन करेंगे तो MCA चाहे MSc कर रखे हों कंप्यूटर साइंस से, या BTech वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। असिस्टेंट में फिर वही होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, और 2 ईयर का यहाँ बता दिया गया है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ बताया गया है, ठीक है। और यहाँ MTS लाइब्रेरी में बताया गया 10th पास किए हों, और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। तो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर लीजिए, नहीं भी आप किए हैं तो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स जो होता है बहुत सारे कॉलेज में होते हैं, ओपन कॉलेज में भी होते हैं, इसे आप देखिएगा तो इग्नू में होता है ये, आप कर सकते हैं। इसमें फॉर्म फिलअप करना है बस, और जाकर एग्जामिनेशन देना है 6 महीने बाद, 6 महीने का कोर्स होता है ये सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, तो आप कर सकते हैं। इग्नू के साइट पर जाकर देखिए, अभी एडमिशन हो रहे हैं उसमें, मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ायदा करेगा आपके लिए। तो यहाँ बताया गया जो एज जो है वो छूट मिलेगा आपको जो भी कैटेगरी में है, तो ये आया था। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, जो आई हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में साउथ कैंपस में निकाला गया है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का एक पोस्ट है, 18,000 रुपया पर मंथ मिलेंगे आपको, बताया गया है एक पोस्ट है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए साइंस के साथ, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बताया गया है यहाँ पर, आप देख लीजिए। और यहाँ बताया गया जो भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो 21 दिन आपको टाइम दिया गया है, 21 दिन टाइम दिया गया है, वहाँ से काउंट करेंगे। देखिए 27 जनवरी को फॉर्म फिलअप आया था ये, मतलब वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, और 21 दिन टाइम आपके पास, ये डिटेल दिया गया है आपको। यहाँ जाके ढौला कुआँ है, वहाँ जाकर आपको सबमिट करना है, जो ढौला कुआँ साउथ कैंपस जो कहते हैं वहाँ पर जाकर सबमिट करना, डिटेल यहाँ दिया हुआ। जो भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म फिलअप कर दीजिए, तीनों वैकेंसी ओपन है,
फॉर्म, बच्चे बहुत सारे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो ये वीडियो था, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं ऑफलाइन तो कोई बात नहीं, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कोई ना कोई फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।